गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बहुपद में भाग करना सीखा था, यानी एल्गोरिथम विधि द्वारा हमने बहुपदों का भाग किया था। आज हमें यह याद करेंगे कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करें, तो भाग करके ये याद करना है कि पहला बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड है या नहीं। जैसे ये एक बहुपद है, एक बहुपद यह है। अब इसमें हमें याद करना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो ये कैसे याद होगा, इसके लिए हम पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाएंगे। यदि भाग पूरा पूरा जाता है और शेष बचता है जीरो, तब तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। और यदि शेषफल जीरो नहीं बचता है, जीरो के अलावा अन्य कोई भी चर या अचर पद बचता है, तो यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो कैसे याद किया जाएगा कि दिया गया बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, उसके लिए हमें पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग करना है। यदि भाग देने से शेषफल जीरो बचे, तो यह पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। और यदि जीरो के अलावा अन्य कोई राशि बचती है, तो यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो याद करते हैं कि दिया गया बहुपद इसका गुणनखंड है या नहीं, इसके लिए वही अपने को भाग की क्रिया करनी है जो पिछले वीडियो में सीखा था। बहुत आसानी से अपन इसको हल कर सकते हैं, बहुत सरलता से। जिसने भाग करना सीख लिया है, जिसको भाग करना आ गया, वो याद कर सकता है आसानी से कि दिया गया बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ ये अपना पहला बहुपद और दूसरे बहुपद में अपन लगाइए भाग, क्रिया वही करनी है। लगाइए पहले बहुपद का, यानी कि पहले बहुपद का पहला पद एक्स स्क्वायर का भाग करेंगे 3x² में। 3x4 इसमें भाग लगाना है x² एक का भाग लगाएंगे 3 में 3 बार, x2 का x4 का भाग लगाएंगे तो x², तो भागफल आ गया 3x². अब 3x² को यानी जो भागफल आ रहा है उसको पूरे भाजक से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे। 3x² को x² से गुणा किया तो यह आएगा 3x4 प्लस 3x से इसको गुणा करेंगे तो प्लस 3x² x2 1x के और x2 ये तो हो जाएगी x³। चिन्हों का भी विशेष ध्यान रखना है। 1 को 3x² से गुणा करेंगे तो प्लस 3x² एक बार दुगत पुनः देखें। 3x² को x² से गुणा किया था 3x² से गुणा किया था 3 × 9 और 1 और 2 x³³ 3 1 को इससे गुणा किया था 3x² आएगा। ये सब ऐसा चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल करके राशियों को जोड़ना। प्लस का 3x² और माइनस का 3x² कैंसिल, प्लस 5x³ प्लस 5x³ माइनस 9x³। यहाँ माइनस की संख्या बढ़ी है, माइनस की राशि बढ़ी है यहाँ पर, तो इसलिए बदलेगा माइनस 4x³, यानी माइनस 9x³ में से प्लस के 5x³ कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों माइनस की राशियां जुड़ जाएंगी। यहाँ माइनस 7 और माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 10x². यहाँ कई बार ध्यान देने वाली बात है, माइनस 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 ही रहेगा, तो ऐसा नहीं कि माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि वो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। समान चिन्ह की राशियां जुड़ जाएंगी, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, दोनों माइनस की राशियां हैं इसलिए जुड़ जाएंगी राशियां, तो लेकिन चिन्ह वही रहेगा। अगर दोनों के माइनस है तो माइनस रहेगा और दोनों के प्लस है तो प्लस रहेगा। माइनस माइनस प्लस जब हम गुणा करते हैं तो होता है। अच्छा, अगला ऐसा कैसा आ गया 2x+। फिर भाजक, भाज्य का पहला पद और भाज्य का पहला पद अर्थात भाग करेंगे माइनस और x³ / x² माइनस और एक्स माइनस फोर एक्स थ्री में x² का भाग लगाइए, तो भाग देंगे तो याद रहेगा माइनस 4x अर्थात माइनस के 4x करो गुणा। माइनस 4x को इससे गुणा करेंगे तो पहला पद चिन्ह सहित जो कहते होना है, क्योंकि हमने भाग लगाया है, और
माइनस चार एक्स को प्लस तीन एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस चार दिया बारह एक्स स्क्वायर, प्लस वन से भी गुणा कर दीजिए तो प्लस वन से माइनस चार को गुणा करेंगे तो माइनस के चार एक्स। चलिए बदल करके राशियों को जोड़ना है, माइनस का कर देंगे प्लस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस और माइनस का प्लस, यदि प्लस है तो माइनस, जैसे ऊपर वाले में प्लस थे तो माइनस हो गए और माइनस है तो प्लस। चलिए बदल करके जोड़ना, माइनस प्लस कैंसिल, समान राशियां हैं केवल चिन्ह अलग अलग है, माइनस दस और प्लस के बारह तो बच जाएगा प्लस का दो एक्स स्क्वायर, प्लस दो एक्स और प्लस ही चार एक्स तो प्लस चार और दो छह एक्स और प्लस के दो। फिर देखिए भाजक का पहले पद की घातांक दो है और इधर भाज्य में भी अभी घातांक दो है, नहीं समान घातांक, तो तब तक तो हम भाग की क्रिया करेंगे और जैसे इसकी घातांक कम हो जाएगी भाग की क्रिया को वहीं रोक देंगे, तो एक्स स्क्वायर का अभी टू एक्स स्क्वायर में और भाग जा रहा है, तो टू एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर भाग जा रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल दो बार भाग जा रहा है तो प्लस दो ना भाग हो गया, प्लस दो को पूरे भाजक से मल्टीप्लाई करके और इसके नीचे लिखना है, एक्स स्क्वायर को दो से गुणा किया दो एक्स स्क्वायर, माइनस दो को सॉरी प्लस दो को प्लस तीन एक्स से गुणा किया तो तीन दूनी छः एक्स और दो को एक से गुणा किया तो दो एकम दो। चिन्ह बदल करके जोड़ना, माइनस प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये भी समान है कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, शेष क्या बच गया जीरो। तो हम कह सकते हैं जब शेष पर जीरो आ जाए तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, यदि शेष पर जीरो के अलावा अन्य कोई भी राशि बचती है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो इसमें सीधे सीधे आपको दो बहुपद दिए हुए होंगे, पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग करें और यदि शेष पर जीरो आता है तो आप लिख सकते हैं पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है और जीरो के अलावा अन्य कोई भी चर या अचल राशि आए तो आप कहेंगे कि इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 3.2 का दूसरे का पहला सवाल हमने बताया, अब शेष दो सवाल आप लोगों के लिए, तो ये आप करके देखेंगे। नंबर 2, बहुत आसान है, सीधे सीधे पिछले वीडियो में हमने आपको भाग करना सिखाया था और जिसको भाग करना आ गया वो आसानी से ज्ञात कर सकता है कि यदि दो बहुपद दिए गए हो तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का शून्य है या नहीं। इसमें आपको हल करना है, पहला बहुपद है पी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और दूसरा बहुपद है जी एक्स इज इक्वल टू टू टी फोर प्लस थ्री टी थ्री माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नौ टी और माइनस बारह। थर्ड क्वेश्चन है इसका जी एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स प्लस वन और इसका आपको एफ एक्स बहुपद है जिसमें भाग करना है एक्स की पावर पाँच माइनस फोर एक्स थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन, या देखिए एफ एक्स का। तो आप ये दो बहुपद दे रखे हैं इनको भाग करेंगे, इसका इसमें भाग करेंगे और यदि शेष पर जीरो आता है तो कहेंगे कि इसका एक गुणनखंड है और यदि जीरो के अलावा अन्य कोई भी पदचर्या अचर आता है तो आप कहेंगे कि इसका एक गुणनखंड जीरो नहीं है। धन्यवाद। अब अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में शून्य दिए हुए हैं बहुपद के और इसका भी फर्स्ट पार्ट लेते हैं, एफ एक्स बराबर टू एक्स फोर
माइनस थ्री एक्स, थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस दो, इसके दो शून्य घर के अंडर रूट दो और माइनस अंडर रूट दो, शेष सभी शून्य हमें इसे याद करने हैं, अर्थात इसमें अधिक बहुपद की अधिकतम हम कितनी है चार, तो इस बहुपद के शून्य भी होंगे चार, जितनी घात अंक होती है उतने शून्य होते हैं, तो यहाँ अगर बड़ी से बड़ी घात तीन है, मान लीजिए बहुपद यही होता तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी तीन, द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी दो, रैखिक बहुपद में जिसमें घात एक होती है उसमें शून्य होता है एक, द्विघात में दो शून्य है, त्रिघात बहुपद में तीन शून्य होंगे, और अगर घात चार है तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी चार, शून्यक क्या है, शून्यक किसी बहुपद में चर का वह मान, जैसे ये चर है एक्स, तो किसी बहुपद में चर का वह मान जिससे पूरा का पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है, तो इसमें चूंकि बड़ी से बड़ी घात अंक चार है इसलिए इसके चार शून्य होंगे, दो शून्य हमें दिए हुए हैं अंडर रूट दो और माइनस अंडर रूट दो, अब चूंकि इसमें शून्यकों की संख्या तो चार होगी तो दो तो दिए हुए हैं और शेष दो और हमें ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए हमें शून्य का मतलब हुआ कि ये मान रखने से एक्स का ये मान रखें इसमें अंडर रूट दो तो ये पूरा का पूरा जीरो होगा, एक्स का यदि माइनस अंडर रूट दो मान रखें तो भी ये पूरा का पूरा क्या होगा जीरो होगा, और यदि इनके गुणनफल का भी इसमें मान रखें तो भी ये पूरा का पूरा क्या होगा जीरो देगा, तो जब ये दो शून्य दिए हुए हो तो पहले तो हम इसके दो गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से हमें हल करना है, जो कि अंडर रूट दो और माइनस अंडर रूट दो एफ एक्स का मतलब बहुपद के शून्यक हैं, इसलिए इन एक्स बराबर माइनस अंडर रूट दो और अंडर रूट दो रखने से पूरा का पूरा बहुपद जीरो के बराबर होगा, इसलिए एक्स माइनस अंडर रूट दो और एक्स प्लस अंडर रूट दो ये शून्य है, इससे ये गुणनखंड बन जाएगा और माइनस रूट टू एक शून्य है तो इसका एक ये गुणनखंड बन जाएगा, और चूंकि इसका इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका भी पूरा पूरा भाग जाएगा और इन दोनों के गुणनफल का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ इन दोनों का गुणनफल करेंगे अपन, तो ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी समीकरण से एक्स स्क्वायर माइनस दो ये इसका एक गुणनखंड होगा, ये भी इसका एक गुणनखंड है बहुपद का, ये भी गुणनखंड है और इन दोनों का गुणनफल भी इसका क्या है एक गुणनखंड है, अब हम इस एक गुणनखंड से यानी इसका भाग लगाते हैं इसमें दूसरा गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं, तो यहाँ अब आपको लगानी है विभाजन एल्गोरिथम जो अभी अभी अपन ने किया था, विभाजन एल्गोरिथम से दूसरा गुणनखंड प्राप्त करने के लिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस टू का भाग लगाना है टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू में, नहीं इसका ऐसे भाग करेंगे तो जो भागफल आएगा वो इसका एक अन्य गुणनखंड होगा, और उससे हम जो भागफल आएगा उसके गुणनखंड ज्ञात करके और शेष दो शून्य ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमने भाग लगाया बहुपद में भाग लगाना था, दूसरे में कि भाई गुणनखंड है या नहीं उसमें भाग की जाएगी, और यहाँ शून्य की ज्ञात कर रहे हैं पर शेष और दो शून्य तो भी हमें ज्ञात करना पड़ रहा है भाग की क्रिया करनी पड़ रही है, अर्थात बहुपद में भाग की क्रिया पूरी पूरी प्रश्नावली इस पर आधारित है कि बहुपदों में भाग की क्रिया जिसको अतिवृष्टि सवाल आसानी से कर सकता है, तो करें भाग सिखाया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, एक्स टू का टू एक्स फोर में भाग करेंगे तो ये आ गया टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर को एक्स टू से गुणा करें टू एक्स फोर माइनस टू से गुणा कर दीजिए इसको तो ये होगा माइनस के चार एक्स स्क्वायर, तो दूरी चार एक्स स्क्वायर इसके नीचे लिखेंगे नहीं पेटियाँ घात अंक तीन है और इसका गुणनफल आ रहा है घात अंक दो में तो घात दो वाले के नीचे लिखा जाएगा तो दूनी चार एक्स स्क्वायर, ये थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है लिखते समय, समान घात वाले पद ही ऊपर नीचे आने चाहिए,
ताकि हमें जोड़ते समय या घटाते समय दिक्कत नहीं हो, गलतियां नहीं हो। माइनस प्लस चिन्ह बदल देंगे, 2x4 + 2x4 - का ये तो रहेगा कैंसिल, -3x³ माइनस और प्लस, तो प्लस की राशि बढ़ी है तो प्लस का 1x² बन जाएगा, यानी कि प्लस x स्क्वायर, और ये ऐसा कैसा ही रहेगा 6x - 2। अब फिर वही क्रिया, जो ये घात अभी छोटी है इसकी घात आगे बढ़ी जा रही है, तो इसका ऐसे वहां करेंगे तो ये भागफल आ जाएगा -3x, x2 का -3x³ में भाग लगाएंगे तो -3x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहला पद तो सेम ही आता है, वही चिन्ह गुणांक घातांक सब कुछ, माइनस माइनस प्लस 3 × 6x, तो इसके नीचे आ जाएगा 3 × 6x, समान घातांक वाला पद ऊपर नीचे लिखना है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, चिन्ह बदल दो, कैंसिल, x² ये कैंसिल हो गया और माइनस के 2, क्योंकि प्लस के 6x और माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा, इनका चिन्ह बदलेगा कहीं, आप इसका भी चिन्ह बदलते उतार लेते, क्योंकि यहाँ तो प्लस 0 है, 0 का चिन्ह बदल दीजिए, पर ये ऐसा कैसा है, इसमें 0 जोड़े या घटाए तो x² आ जाएगा, कहने का तात्पर्य है जिसको घटाते हैं उसका ही चिन्ह बदला जाएगा, जिसमें से घटाते हैं उसका चिन्ह बदलता हुआ ऐसा कैसा रहता है। फिर से इसका भाग जा रहा है, x² का x² में भाग जाएगा प्लस 1, एक बार इसको गुणा कर दें, 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, और ये माइनस और प्लस काटने पर ये भी कट गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा, शेष पर क्या आ गया 0, अर्थात ये अपना दूसरा गुणनखंड आ गया, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है, इसमें भाग दिया तो दूसरा गुणनखंड आ गया। अब इन दोनों का गुणनफल और प्लस ये इसके बराबर आएगा मार्जिन के बराबर, तो fx बराबर हो जाएगा आगे इसमें fx = भाजक x² * भागफल 2x² - 3x + 1, और प्लस शेषफल तो 0 ही आना शेषफल। अब तो इसके तो हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे तो शून्य के निकले हुए हैं ऑलरेडी, तो इसको तो ऐसा कैसा उतार लीजिए, केवल इसके गुणनखंड और कर लीजिए ताकि दो शून्य और क्या तो देंगे, तो बराबर है इसको तो ऐसा कैसा उतारें माइनस और x² - 2, इसके गुणनखंड करने के लिए यदि सर्वसमीकरण लग रही है दो लगा दे, नहीं तो टुकड़ेगा नहीं है, सर्वसमीकरण लग नहीं रही है तो हमें इस बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो -3x आए और गुणा करने पर 2 * 2x² आए। तो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाई किस प्रकार से इसके गुणनखंड कर सकते हैं, तो 2x² - 2x और -x, देखिए -2x और माइनस का 1x, तो ये हो गए -3x और +1, -2 को -1 से गुणा करेंगे तो -- +2x², यानी गुणा करने पर आ रहा है +2x² और जोड़ने का घटाने पर आ रहा है बीच वाला पद आ गया। ओके, अब ये तो ऐसा कैसा ही जाएगा, इसमें दो दो पदों के समूह बना लेंगे इन दोनों में, और इन दोनों में दो दो पदों के समूह बना करके कॉमन ले लेंगे, तो पहले समूह में 2x को कॉमन आ रहा है तो भाग देंगे तो x - 1, और दूसरे समूह में देखो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो जब कुछ भी कोई पद कॉमन नहीं आ रहा हो तो उसमें हम +1 या -1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ -1 कॉमन ले तो ये हो जाएगा x - 1 और बराबर x² - 2, फिर से x - 1 को कॉमन आ रहा है तो x - 1 और 2x - 1 ये बच जाएगा। अब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 लेंगे तो शून्य आ जाएंगे, यदि x - 1 = 0 तब x = 1, और यदि 2x - 1 = 0 तो आ जाएगा अपने x = 1/2। अतः अपने शून्य के क्या हो गए, दो तो पहले से दिए हुए थे और ये दो शून्य को और आ जाएंगे, तो इस प्रकार आप लिखेंगे अतः बहुपद के शेष शून्य के 1 और 1/2 है।
दो शून्य पहले से दिए हुए हैं और दो और आ जाएंगे। अब मैं आपको अभ्यास के लिए दो सवाल और दे देता हूँ जो आप अभ्यास करेंगे और फिर कोई दिक्कत रहे तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उन नंबरों पर कॉल करके जो आपको समय बताया है समय का ध्यान रखें। ऐसे नहीं जब मन आए तभी लगा दे कॉल। शेष दो इसमें देखिए अभ्यास के लिए और ये प्रश्नावली अपनी पूरी हो गई है। एफ एक्स बराबर एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स थ्री माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 इसके शून्यक है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और तीसरा है एफ एक्स बराबर एक्स थ्री प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 और इसका एक शून्य दिया है माइनस का 2। इसमें एक देख लिया यहाँ का धन चार थी यहाँ का धन चार थी इसलिए दो दो शून्य दिए हुए थे। ये नहीं समझ पा रहे तो इसको यूं कह सकते हैं कि ये एक बार प्लस का शून्य है और दो माइनस अंडर रूट 3 एक बार ये माइनस का शून्य दो दो शून्य दे दिए दो आपको निकालने थे। यहाँ का धन 3 थी तो एक ही शून्य दिया हुआ है बाकी शेष दो शून्य आपको निकालने हैं। तो ये दोनों सवाल आप अभ्यास करेंगे हल करेंगे और उम्मीद है बहुत आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं और फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आपको जो नंबर दिख रहे हैं उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। वैसे बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है इसलिए।